स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं मिशन मैथमेटिक्स क्लास 8 की जो एक्टिविटी सीट है इसके बारे में। आज की डेट है 19/8/2023। इसमें देखिए कुछ नहीं कहा गया, आपसे कहा गया है द टू द फैमिलीज और विद द कॉन्सेप्ट ऑफ क्यूब। क्यूब के कॉन्सेप्ट को आज आपको यहाँ सिखाया जाएगा। रूलर, पेंसिल और इरेजर आपको यहाँ पर चाहिए मटेरियल जो रिक्वायरमेंट है। आप देखो यहाँ पर क्या है, द टीचर टू मोटिवेट द स्टूडेंट टू ऑब्जर्व द डिफरेंट ऑब्जेक्ट असेंबलिंग द शेप ऑफ क्यूबॉइड एंड क्यूब्स आर प्रेजेंट इन अवर सराउंडिंग। अब जैसे आपके क्लासरूम में देखोगे आपको एक क्या देखने को मिलेगा, एक आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, आपको जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा क्लासरूम। चलो हम बात कर लेते हैं जैसे क्लासरूम की, किसकी, क्लासरूम। अब बहुत से लोगों का क्लासरूम कैसा होगा भाई, सेंटीमीटर में अगर बात करें तो हमारा जो है जैसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट, अब आपको ऑब्जेक्ट को देखना है और जैसे आपने क्लासरूम को देखा, तो क्लासरूम जो होगा आपका इस क्लासरूम की लेंथ कितनी होगी सेंटीमीटर में। तो अगर मीटर में देखिए बात करें तो मान लो अगर लेंथ जो है 100 मीटर है ना, आपकी क्या है 10 मीटर है, तो 10 मीटर है तो उस क्लासरूम की लेंथ कितनी हो जाएगी, 10,000 सेंटीमीटर कितनी हो जाएगी, 10,000 सेंटीमीटर हो जाएगी। ब्रेथ मान लो कितनी हो जाएगी, 5,000 सेंटीमीटर हो गई। हाइट उसकी कितनी हो गई, हाइट मान लो यहाँ पर क्या है 10,000 सेंटीमीटर हो गई, है ना। तो जब ऐसा सिस्टम आपको देखने को मिलेगा आपके क्लासरूम में, है ना, तो ये एक ऐसा सेम यहाँ पर ऑब्जर्वेशन आपको क्या देखने को मिली है, ऑब्जर्वेशन में आप क्या लिखोगे कि क्लासरूम कैसा है, 3D है, कैसा है 3D है, और इसका शेप क्या हो जाएगा। इसको यहाँ पर देखने को आपको क्या मिलेगा, आपको यहाँ पर देखने को एक और चीज़ ऑब्जर्वेशन मिलेगी कि लेंथ ब्रेथ तीनों चीज़ें क्या है, डिफरेंट है। लिख देना लेंथ कॉमा ब्रेथ कॉमा हाइट जो क्या है डिफरेंट है, आर डिफरेंट। तो शेप कैसा हो जाएगा, शेप इसका हो जाएगा क्यूबॉइड, कैसा हो जाएगा क्यूबॉइड हो जाएगा। इसके बाद बॉक्स की बात कर लो, जो आपके पास बॉक्स है इस बॉक्स की अगर सेंटीमीटर में लंबाई पूछी जाए तो 25 सेंटीमीटर इसकी लेंथ हो जाएगी। ब्रेथ अगर पूछी जाए तो यार कितनी हो जाएगी, देखो यहाँ पर 8 सेंटीमीटर ब्रेथ हो जाएगी। और इसकी हाइट अगर बात कर ली जाए तो हाइट मान लो आपकी कितनी है, आप तो अपने बॉक्स की हाइट देखोगे तो 4 सेंटीमीटर मान लो, 5 सेंटीमीटर बॉक्स की हाइट है ना, 5 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी बॉक्स की हाइट हो जाएगी। तो यहाँ भी ये तीनों चीज़ें क्या हैं, डिफरेंट हैं, जो ऊपर लाइन लिखी है वही नीचे लिख देना। और ये भी कैसा है, क्यूबॉइड शेप का होगा, क्यूबॉइड शेप का होगा ना आपका। और भी अगर हम चीज़ें देखें तो इस तरीके से बहुत सी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, शार्पनर देखने को मिलेगा और रबड़ देखने को मिलेगा, बहुत सी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो ये सारी चीज़ें आप इसी तरीके से क्या करोगे, मेज़र करोगे, इनकी लेंथ हाइट लिखोगे। और अगर देखो अगर क्या है, एक बॉक्स की बात करते हैं, एक नॉर्मल बॉक्स की बात करें, ठीक है, आप यहाँ पर क्यूबॉइड जो आपके पास होता है ना, क्यूबिक रूबी क्यूब आपने सुना होगा ना, जो अलग अलग कलर का आता है उसकी बात करें तो वो देखो वो क्या होगा, जैसे 12 सेंटीमीटर लंबा है, 12 सेंटीमीटर चौड़ा है, 12 सेंटीमीटर है, तो ऑल साइड्स आर इक्वल यहाँ का देखने को मिलेगा, ऑल यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, ऑल साइड आर इक्वल, सारी की सारी साइड क्या होंगी यहाँ पर इक्वल है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। इसी तरीके से आपके आसपास जो चीज़ें हैं सभी चीज़ों को देखना है, उनका नाम लिखना है, उनकी हाइट चौड़ाई लंबाई लिखकर बताना है कि सेम है कि नहीं है। अगर नहीं है सारी चीज़ें सेम तो क्यूबॉइड हो जाएगा, सेम होंगी तो क्यूब होगा, यही चीज़ आपको यहाँ करनी है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर देना।